हाय, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो टेलीविजन के बिना नहीं रह सकते? वेल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो टीवी पर अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखे बिना नहीं रह सकती। कभी कभी सोचती हूं कि अगर टीवी लाइफ में नहीं होता तो जिंदगी कितनी बेरंग सी होती। कभी आपको भी ऐसा लगा है? टीवी के आविष्कार को वैसे कई साल हो चुके हैं, पर हर साल 21 नवंबर के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। अब ये दिन शुरू किया गया था टीवी इन्वेंशन और टीवी के अब तक के समाज में योगदान को याद करने के लिए। तो चलिए हम भी याद करते हैं टीवी यानी कि टेलीविजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स जिनकी जानकारी हम सबको ज्यादा नहीं है। आज टीवी के आविष्कार हुए को हो चुके हैं 93 साल। जी हाँ, 93 years, सही सुना है आपने। टेलीविजन की सबसे पहले खोज हुई 1927 में एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के रूप में, जिसकी खोज की अमेरिकन इन्वेंटर फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने। टीवी की खोज करने के दौरान फिलो की उम्र महज 21 साल की थी। टीवी की इन्वेंशन के पीछे फिलो की असल मंशा ये थी कि वो चाहते थे कि ऐसी खोज की जाए जो चलती इमेजेस को कैच करके फिर उन्हें रेडियो तरंगों के रूप में अलग अलग डिवाइसेस में मूव कर सके। फिलो के इस इन्वेंशन से पहले टीवी मैकेनिकली स्कैंड इमेजेस ही पेश कर पाते थे, जिनमें बहुत बड़े सेटअप को लगाने की जरूरत पड़ती थी। साथ ही साथ उस वक्त ये जेब पे बहुत भारी भी पड़ता था। फिर जब फिलो की ये इन्वेंशन मार्केट में आई तो लोगों को लगा कि शायद टीवी का भविष्य काफी बेहतर हो सकता है। इसके बाद टीवी को और बेहतर बनाने के लिए कई और साइंटिस्ट ने भी काम करना शुरू किया। फिलो की इस इन्वेंशन से भी 2 साल पहले यानी 1925 में स्कॉटिश इन्वेंटर जॉन लॉगी बेयर्ड ने एक डमी का उपयोग करके टीवी के लिए पहली छवि प्रसारित की। टीवी की खोज में जॉन लॉगी बेयर्ड को भी पायोनियर ही कहा जाता है। हालांकि जॉन द्वारा जो वर्किंग टीवी की खोज की गई थी उसमें उन्हें जो भी ऑब्जेक्ट मिले उन्हीं के जरिए उन्होंने अपने इस टीवी में डमी पिक्चर प्रसारित की। कहा जाता है कि जॉन लॉगी बेयर्ड के टीवी मेथड को न्यूज एजेंसी बीबीसी ने कई सालों तक यूज किया, लेकिन तब तक फिलो के इलेक्ट्रॉनिक टीवी के मेथड्स मार्केट्स में काफी इस्तेमाल किए जाने लगे थे। टीवी को कंट्रोल करने वाला रिमोट कंट्रोल बना साल 1950 में। मजे की बात यह है कि पहले के रिमोट्स इतने अलग थे कि इसमें स्पेशल तार लगी होती थी जो कि टीवी से कनेक्ट होती थी, जिससे टीवी ऑपरेट किया जाता था। टीवी रिमोट की खोज की यूजीन पॉली ने। 1954 में टेलीविजन की दुनिया को रंगीन करने आए कलर टेलीविजन। अपने शुरुआती दिनों में ये टीवी उस दौर के मुताबिक काफी महंगे थे और इनके लिमिटेड एडिशन होने की वजह से इनकी कीमत थी उस वक्त के हिसाब से 6,000 रुपए। हालांकि सिर्फ एक ही कंपनी की मोनोपोली को तोड़ा अमेरिका की और दो कंपनियों ने, जिन्होंने उस वक्त के हिसाब से कलर टीवी को बनाया 5,000 रुपए। भारत में पहला टेलीविजन आया 1950 में, जो डिस्प्ले किया गया था चेन्नई के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरफ से। इस स्टूडेंट ने चेन्नई के एक एग्जीबिशन में अपना टीवी मॉडल दिखाया, पर यह ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण के लिए तैयार नहीं था। भारत में टीवी सबसे पहले कोलकाता के एक अमीर परिवार नियोगी फैमिली के घर पर आया। 1959 में दूरदर्शन शुरू हुआ। हालांकि दूरदर्शन को शुरू शुरू में टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था, 1975 में इसका नाम बदल के दूरदर्शन कर दिया गया। भारत में टीवी लोगों के घर घर का हिस्सा तब और भी ज्यादा बन गया जब 1986 में रामायण और महाभारत जैसे शोज टीवी पर प्रसारित होने शुरू हुए। आज भारत में 902 से ऊपर प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स हैं जो हम टीवी पर देख सकते हैं, जो कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं। ओवर द इयर्स टीवी टेक्नोलॉजी में कई बदलाव हुए। टीवी के रंग रूप वेशभूषा सब बदला, पर आज भी जो चीज सेम है वो है टीवी का मकसद, जो पहले की ही तरह हमारा एंटरटेनमेंट करता है और हमें जानकारियां भी देता है। अब टीवी से ही जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दें। टेलीविजन के इन्वेंटर फिलो अपने ही बच्चों को टीवी नहीं देखने देते थे। टीवी के आविष्कार के बाद फिलो के शब्द थे कि टीवी में ऐसा कुछ भी रोचक या काबिले तारीफ नहीं है जो मैं इसे अपने बच्चों की दिनचर्या में शामिल करूं। एक रिसर्च के मुताबिक एक औसत व्यक्ति टीवी बॉक्स के सामने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताता है। कहा जाता है कि टीवी के कलर के मुताबिक ही व्यक्ति के सपने देखने की क्षमता प्रभावित होती है।
कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हैं उनके सपने भी उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही दिखते हैं। सो आजकल हमारे मोबाइल फोन्स इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि टीवी तक की सुविधा हमें मोबाइल फोन्स में ही मिल जाती है, पर आज भी भारत के साथ ही विदेशों में कई ऐसे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत जैसे अखबार से होती है, इसी तरीके से टीवी पर खबरें या फिर उनके फेवरेट शोज को देखकर ही होती है। सो ऐसे में कहा जा सकता है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी टीवी टेक्नोलॉजी पीछे नहीं है, उसकी जगह वही है जो पहले थी। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आगे भी हम इसी तरह लेके आते रहे। थैंक यू सो मच।